जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह और मेरे साथ में संजय सर भी हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कई सारे वीडियो अभी लगातार बने हैं इस पर कि अपना जो ये महाआंदोलन है जिसको कि डिजिटल प्रोटेस्ट नाम दिया गया है, कल 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को 11 बजे से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि #JusticeForRailwayStudents, सारे बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। मेरा काइंडली सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने महत्वपूर्ण समय में से, जो कि आपके कैरियर के लिए बेहद जरूरी है और आपको भविष्य, जो अपना आप देख रहे हैं कि मेरा भविष्य किस ओर जाना है, उसके लिए बेहद जरूरी है, तो अपने इस महत्वपूर्ण समय में से अगर संभव है तो कुछ घंटे समय निकाल करके आप डिजिटली, डिजिटली का मतलब ये होता है कि आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सबसे पहले तो आज एक आप वीडियो बनाएं, 1-2 मिनट का या 3 मिनट का, जो आपने रेलवे के एग्जाम में जो इतना विलंब हुआ है उसको लेकर के जो आपने फील किया है, अपना पूरा इमोशन उस वीडियो में भर देना है और फेसबुक से उसको अपलोड कीजिए, फिर व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजिए। जैसे भी हो उसको मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम पहुंच उसका रीच बढ़ा पाए आप। इसके बाद अगर कल 11 बजे सबका सहयोग होगा, क्योंकि 2 करोड़ 40 लाख बच्चे इसमें हैं, अगर 50% बच्चे भी डिवोशन के साथ में, हम तो चाहेंगे 100% बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सारे टीचर अभी एकजुट हैं, सब टीचर का पूरा आपको साथ मिला हुआ है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलना है। इसलिए अब आपकी बारी है, चूंकि आपका ये आंदोलन है और आगे आने वाले दिन में कोरोना का भी जो एक्टिविटी बढ़ा हुआ है, अगर यहां पर आप मिस कर गए तो आपको आने वाले दिन में और परेशानी बढ़ सकता है। इसलिए सारे टीचर और स्टूडेंट सारे एकजुट होकर के कल 11 बजे धुआं धुआं कर देना है, ये बात आप मान करके चलिए, और पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 पर ये ट्रेंड करेगा, इसके लिए भी आप आश्वस्त रहें। बस जो अभी ये अभियान चल रहा है पूरी तरीके से आप माइंड में कर लें इसके बारे में। आज संजोग से संजय सर भी हमारे साथ में हैं, हम चाहते हैं कि संजय सर आपसे रूबरू हो और वो मन में क्या सोच रहे हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में वो पूरा का पूरा आपसे शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे जितने भी स्टूडेंट भाई और शिक्षकगण इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनको सबसे पहले स्वास्थ्य लाभ की शुभकामना कि आप सभी स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे तभी जाकर हम इस संवेदनशील, संवेदनहीन सरकार के अगेंस्ट में खड़ा हो सकते हैं। क्योंकि अभी का जो सरकार है उसका, उसके अंदर का एकदम संवेदना मर चुकी है। देश की जनता, देश का स्टूडेंट, कहीं कुछ भी उसके साथ कुछ भी घटना, कुछ भी अप्रिय हो जाए, उससे उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, वो सिर्फ शासन करने के लिए आए हैं। अभी आप जानते होइएगा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित कहावत है, हमारे बाबा दादा ये हमेशा बोला करते थे कि पुत्र कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। पूत को सपूत बनाना है तो अपने आप अपना जीवन यापन कर सकता है, और पूत कपूत हो गया तो कितना भी हम सब पत्ती अलग के रख दें तो वो मिनट सेकंड में धुआं धुआं कर देगा। तो ये जो सरकार है एकदम कपूत हो गया है। हम बाबा दादा की संपत्ति को, विरासत में जो मिला हुआ संपत्ति है, उसको बचा के रखते हैं। अगर हम बेच देते हैं तो समाज हमारा क्या कहता है कि ये कपूत हो गया, बाप दादा के विरासत को डुबा दिया है। तो ये जो सरकार है अभी हमारे लिए कपूत हो गया है, क्योंकि जितने भी विरासत में हमारा संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, सबको प्राइवेटाइज कर रहा है, बेच रहा है। तो ऐसे सरकार को भी उखाड़ के फेंकना है। युवा वर्ग के वोट के बल पे ही ये सरकार बना है। हमने बहुत आशा, उम्मीद, विश्वास के साथ, या बिहार सरकार है या केंद्र सरकार है, सबको जिताया है, युवा जिताया है कि हमारी महत्वाकांक्षा को वो पूर्ण करेगा। लेकिन ये सरकार निरंकुश हो गई है और सिर्फ अपने सुख को भोगने के लिए हमारे देश के जितने भी युवा है उसके भविष्य को अंधकार में डाल दिया है।
तो जितना भी सारा बात बोलना था अभी हमारे पार्टनर छोटा भाई नवीन कुमार सिंह जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बहुत ही जो भी बोलना है सब कुछ बोल दिए हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक संकल्प लेकर के हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक झुकेंगे नहीं जब तक सरकार हमारी मांग को मान नहीं ले और बेरोजगारी के तरफ कॉन्शियस होके जब तक ध्यान नहीं देता है, कोई स्टेप नहीं लेता है, तब तक हम लोग को रुकना नहीं। ऐसा नहीं कि इस कार्यक्रम को अभी हम चला के 10 दिन 5 दिन बंद कर दे, अगर ये शुरू हो गई है जो हम किसान आंदोलन की तरह, तब तक करें जब तक सरकार हमारी मांग को, बेरोजगार पे युवा पर ध्यान नहीं देता है, उसके लिए रोजगार की संभावना का तलाश नहीं करता है, जब तक हमें रोजगार नहीं देता है तब तक हमको पीछे नहीं हटना है। और चाहे जैसे हो, चाहे जितनी लाठियां खाना पड़े, चाहे जिस हिसाब से हो, हम सरकार के नीति का प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपनी मांग को रखेंगे। जय हिंद, बहुत बहुत शुभकामना कि हम इस कार्यक्रम में सफल हों।